An Academy. I am fed up with his false promises. Fed up with ये तो सबको पता है. Move heaven and earth. Fight tooth and nail. सारी मेहनत लगा दे ना. Yes, fed up मतलब irritate हो जाना. आज तो मैं सुबह से परेशान हूँ. आपका कौन सा बैच कहाँ शुरू हो रहा है? एक तो सुबह सुबह पूछ रहे हैं कि मैम क्लोज टेस्ट क्या होता है. मतलब क्या बोलूँ मैं? मैंने बोला अब नहीं समझाऊँगी. 3:30 के बज में आना. कहाँ पेड़ है, कहाँ क्या है. आज सुबह से यही ड्रामा चल रहा है. मैनी पीपल इन अवर कंट्री लाइक टू फेदर देयर ओन नेस्ट. नेस्ट का मतलब घोंसला. अपने घोंसला को सिर्फ सजाना, फेदर करना, मतलब गलत तरीके से अपने आप को रिच बनाना. सुबह से यही कर रहे हैं. सिर्फ लिंक मांग रहे हैं. कभी वो कैप का मांग रहे हैं, समुद्र मंथन, कभी EDM मांग रहे हैं, कुछ कुछ मांग रहे हैं. देखो अभी बीच बीच में आ रहा है ना, मेंस का बैच मांग रहे हैं. परेशान हो गई हूँ मैं. सब बता बता. हो जाएगा ना, जब शांत हो जाएंगे. जब बैच शुरू होता है ना, बच्चों की एनर्जी लेवल बहुत हाई होती है. हम जोश में रहेंगे सब. ये मांगेंगे, वो मांगेंगे, ये मांगेंगे. उसके बाद नॉर्मल हो जाते हैं. शुरू में जोश रहता है. देखना आज आएंगे 3:30 बजे. और सभी तो आएंगे. कल परसों भर भर के स्टूडेंट्स आएंगे. ये जो 20% डिस्काउंट है ना, और आज मैंने सुबह वाले बैच में वॉक स्टार्ट किया है. और कल परसों में ज़बरदस्त एडमिशन होने वाला है. 26 तक 20% ऑफर. अब ना ये टीचर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है. कोई टॉपिक शुरू हो गया, बीच में जीरेन में बच्चे आ रहे हैं, इन्फिनिटिव में आ जा रहे हैं. टीचर के लिए बहुत चैलेंज है. कल आएंगे. डोंट टेक इट सीरियसली. इट ही वॉज सिंपली पुलिंग योर लेग. आप कभी भी किसी के साथ थोड़ा मजाक वगैरह करते हैं ना, अरे इसको सीरियसली मत लो, मैं तो अपनी खिंचाई कर रहा था. आई वॉज जस्ट पुलिंग योर लेग मतलब मैं तो जस्ट जोक कर रहा था. आई वॉज जस्ट जोकिंग. ही हैज सेट अप हिज बिजनेस बिकॉज ही नोज द इन्स एंड आउट्स. अंदर बाहर पता होना किसी चीज़ का. जैसे आप बोलोगे ना, अरे मुझे तो इसका इन्स एंड आउट्स भी पता है, इन्स एंड आउट्स पता है, ये काम मैं आराम से कर लूँगा. अब मुझे अनअकैडमी का इन्स एंड आउट, अब मुझे अनअकैडमी पे पढ़ाते हुए 3 साल हो गए, तो मुझे इसका इन्स एंड आउट्स पता है. मतलब मुझे क्या पता, मुझे डिटेल्स पता है. हाई स्पिरिट्स में है. नहीं, प्रोज एंड कॉन्स नहीं होगा रजत. प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है एडवांटेज और डिसएडवांटेज. बट ये तो डिटेल्स. हाई स्पिरिट्स में रहना मतलब क्या? इसी दोनों में कंफ्यूज हो. होपफुल, आशावादी नहीं रहना है. लाइवली एकदम जॉयफुल रहना, खुश रहना. बहुत जॉयफुल, हाई स्पिरिट्स में रहो. कभी भी ना अपना मनोबल कम मत करो. स्पिरिट्स का मतलब है मनोबल, इच्छा शक्ति कम मत करो. सैड मतलब हमेशा खुश रहो. सेवेंटी तक कर लेती हूँ. बार हो जाए प्रभात, आपका भगवान करे कि ये दोबारा डिस्टर्ब करने ना आए. अ फ्रेंड इज नो फ्रेंड. आपका वो दोस्त कोई दोस्त नहीं है जो आपको लज में छोड़ के चला जाता, मझधार में छोड़ के चला जाता. कौन सा दोस्त? वो दोस्त ना, लीव समवन, जो बेसहारा छोड़ के बीच मझधार में चला जा रहा है. मैं मना रही हूँ भाई, मेंस वाले मैक्सिमम बच्चा जिसका एग्जाम अच्छा गया है, अब